अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज की नई अपडेट के मुताबिक जो ज़रूरी तरक्याती बैंक के अंदर जिन कैंडिडेट्स ने, जिन उम्मीदवारों ने अप्लाई किया था, उनके लिए खुशखबरी की बात यह है कि MCO या जिसे हम OG3 ग्रेड 3 ऑफिसर की जो जॉब थी, उनके लिए रिटर्न टेस्ट की डेट्स आ चुकी हैं। रोल नंबर स्लिप जो है वो अपलोड कर दी गई है। इसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आपको जो मुकम्मल बताऊँगा कि आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो किस डेट को होगा और आप रोल नंबर स्लिप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं अपनी OG3 MCO3 जॉब के लिए, और आपका टाइपिंग, आपका जो रिटर्न टेस्ट है वो कब होगा जी। तो मेरा नाम इशवटू, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक टाइमली पहुँच सके। इस चैनल के ऊपर मैंने इंग्लिश की तैयारी करवा दी शुरू। आप जाकर हमारे चैनल के ऊपर इंग्लिश ग्रामर और पार्ट टू स्पीच के लेक्चर सुन सकते हैं और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं जी। तो आए शुरू करते हैं, हम देख लेते हैं कि आपका रिटर्न टेस्ट कब है और रोल नंबर स्लिप आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं जी। तो सबसे पहले हम चलते हैं गूगल की तरफ जी। तो आपने गूगल क्रोम पर आ जाना है, और क्रोम पर आकर आपने यहाँ पर लिखना है OTS। आपने यहाँ पर OTS लिखना है, और OTS लिखने के बाद आपने इस OTS पर क्लिक कर देना है, और इस तरह की आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी और आपने इसको ओपन कर लेना है। ये आपके सामने लेआउट आ जाएगा, ये कुछ ऐड्स आएंगे। आपने जनाब यहाँ पर नीचे चले जाना है, और यहाँ पर सबसे पहले आपने यहाँ से ढूंढ लेना है ज़रूरी तरक्याती बैंक जो है ना, ZTBL की जो जॉब्स थी उनकी आपने देख लेनी है वो जॉब्स। तो अगर ये ऊपर चला जाए तो आपने यहाँ से इसको नीचे कर लेना है, और यहाँ से आपको मिल जाएगा सारे का सारा वो ZTBL का भी अभी यहाँ पर आ जाएगा। या आप यहाँ पर वेट कर लीजिएगा, या फिर ये ज़रूरी तरक्याती बैंक आ गया, या फिर आप वहाँ से ऊपर नीचे करके भी ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आप ZTBL वाले पे क्लिक कर देंगे और इस ऐड को साइड पे करके, तो ये आपके सामने इस तरह का जी ओपन हो जाएगा। वो कह रहे हैं जी ये जो अप्लाई किया था अपने ऑफिसर ग्रेड 3 MCO के लिए किया था, और उसके बाद जनाब उन्होंने ये देखे रिक्रूटमेंट टेस्ट सारा के सारे के लिए। आप यहाँ पर व्यू पे क्लिक करेंगे, और व्यू पे क्लिक जब करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक नया पेज ओपन हो जाएगा। उसके अंदर ये फर्दर चीज़ें होंगी जी, ये देखें एडवर्टाइजमेंट ऐड आप जब देखना चाहेंगे तो वो भी देख सकते हैं, और उसके अलावा लास्ट एड फॉर सबमिशन ये थी। अब डाउनलोड रोल नंबर स्लिप करने के लिए आप यहाँ पर अपना क्लिक करेंगे आईडी कार्ड नंबर लिखने के बाद आप यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, और जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्लिप डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर आप डाउनलोड अगेन पे क्लिक करेंगे जी, ये आपके सामने रोल नंबर स्लिप आ चुकी है। यहाँ पर आपका नाम, आपका फादर नेम, आपका CNIC, रोल नंबर और टेस्ट वेन्यू सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, और उसके साथ आप जो टेस्ट डेट है, आपका टेस्ट कब है। तो ये जी आपका 7 जुलाई संडे वाले दिन आपका टेस्ट होगा, जो जो आपका रेलेवेंट टेस्ट सेंटर जो आपने अप्लाई करते वक्त अपना सेलेक्ट किया था कि ये मेरा टेस्ट यहाँ पर होना चाहिए, तो आपके रेलेवेंट टेस्ट सेंटर के अंदर आपका टेस्ट होगा। टाइमिंग जो सुबह वो 10 बजे की है, और उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी आप ज़रूरी सुन लें, ताकि आप उस दिन जाके अपने टेस्ट से महरूम ना रह जाएं। तो इंस्ट्रक्शंस भी लाजमी पढ़ लिया करें जी। तो इंस्ट्रक्शंस के अंदर वहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट शुड बी प्रेजेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल एट लीस्ट 15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम, एंड यू विल नॉट बी अलाउड टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल अनटिल द एग्जाम इज़ ओवर। कैंडिडेट्स अराइविंग आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल। वो कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले आपने टेस्ट सेंटर में आ जाना है। आपने अपना रोल नंबर स्लिप, कैंडिडेट रोल नंबर स्लिप CNIC के बगैर आप अगर आएंगे तो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। एप्लीकेंट मस्ट ब्रिंग रोल नंबर स्लिप एंड ओरिजिनल कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। तो कंप्यूटराइज ओरिजिनल कार्ड होना चाहिए आपका, ऐसा नहीं है कि फोटो कापी हो। एप्लीकेंट मस्ट रीड अंडरस्टूड एंड कम्प्लाई विद इंस्ट्रक्शन ऑन फ्लाई लीफ ऑफ द क्वेश्चन बुक आंसर शीट, एंड एज नॉन कम्प्लायंस कैन रिजल्ट इन द डिसक्वालिफिकेशन। डू नॉट कॉपी एनीथिंग फ्रॉम द क्वेश्चन पेपर टू एनी अदर पेपर। तो आप अपनी रोल नंबर स्लिप पर क्वेश्चन को ना लिखना शुरू कर दीजिएगा, ये भी गैर कानूनी होता है। ब्रिंग ब्लैक आर ब्लू बाल पॉइंट आर पेंसिल एंड पेपर क्लिप बोर्ड। और उसके बाद जी मोबाइल फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन द एग्जामिनेशन हॉल। डू नॉट फोल्ड आर स्टेबल द आंसर शीट। यू शुड स्क्रिपलिस फॉलो द इंस्ट्रक्शंस गिवन द सुपरवाइजर एंड द इनविजिलेटर एट ऑल द स्टेजेस ऑफ द एग्जामिनेशन। नो अदर बुक्स साइड रूल्स स्लाइड रूल्स नोटबुक पेजेस मोबाइल फोन्स रिटर्न नोट्स कैलकुलेटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट विल बी अलाउड इन साइड द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट्स हु इज फाउंड आइदर कॉपिंग आर रिसीविंग असिस्टेंट फॉर अदर्स विल बी डिसक्वालीफाइड। कैंडिडेट्स ऑफरिंग असिस्टेंट टू अदर कैंडिडेट विल आल्सो बी डिसक्वालीफाइड। उसके बाद ये मोबाइल फोन जो मनसूख होगा
और मोबाइल काउंटर फ़ोन जमा करवाने की सूरत में 100 रुपये चार्ज किया जाएगा। अगर आप वहाँ पर फ़ोन जमा कराते हो तो आपसे 100 रुपये चार्ज किया जाएगा, ये आप खुद सोच के जाइएगा। जी तो ये थी हमारी आज की वीडियो, दुआ में याद रखिएगा। वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़।